रेस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक मामला है लगभग 2008 का शायद ये मामला है, रोड रेस का ये मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला देते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को, और माफ कीजिए, ये 1988 का ये मामला है जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है, रोड रेस का ये मामला है। हालांकि सिद्धू बार बार इस मामले को लेकर कहते रहे हैं कि गलती से वो हुआ था, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की, नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है, नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेस मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। रोड रेस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। और पीड़ित जो परिवार था वो लगातार सिद्धू की सजा की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी और सजा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। हालांकि अब फैसला आया है कि एक साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को दी जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी, 34 साल पुराना ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। 34 साल पहले 1988 में झगड़े में बुजुर्ग की मौत हो गई थी और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। हालांकि लोअर कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को इस मामले में बरी कर दिया था, हाई कोर्ट से भी सजा मिली थी और हाई कोर्ट के बाद पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट गया। और इसी मामले में ज्यादा जानकारी के साथ राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू राज, बहुत बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा इस मामले में, हालांकि पीड़ित परिवार लगातार सजा बढ़ाने की मांग कर रहा था। देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी कार्रवाई जो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सामने आई है कि 1988 में गुरनाम सिंह नाम के एक शख्स की रोड रेज में मौत हुई थी, उसके बाद लोअर कोर्ट ने सिद्धू को छोड़ दिया था, फिर ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट के बाद 1000 का जुर्माना लगाया गया। इसी को लेकर गुरनाम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की और कई सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को आरोपी घोषित करते हुए उन्हें एक साल की सजा सुनाई है। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू की जो आने वाले दिनों में जो मुश्किलें बढ़ सकती है, एक साल उन्हें जेल में बिताना होगा। अब देखना होगा कि अब नवजोत सिंह सिद्धू के लिए क्या कानूनी दावपेच अब उनके सामने होता है, क्योंकि एक रिव्यू पिटीशन उनके पास एक रास्ता बसता है, वो कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है और अब देखना होगा कि पुनर्विचार याचिका के लिए कब तक ये कोर्ट में अर्जी लगाते हैं।